एक क्विक सिंगल्स के लिए आज का सेक्टर ऑफ द मॉर्निंग क्लियरली सिटी गैस स्टॉक्स, महानगर गैस 3.5% ऊपर, IGL 3% ऊपर, गुजरात गैस 1.5% ऊपर, यही आज का सेक्टर ऑफ द मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग गाबा सर, आपका क्विक सिंगल। गुड मॉर्निंग टू यू। मेरा क्विक सिंगल रहेगा कोलगेट, 3019 पर ट्रेड कर रहा है, मोमेंटम है, स्टॉप होगा 3000 का, अपसाइड टारगेट 3050, फिर उसके बाद हायर जोन देखने को मिल सकते हैं कोलगेट। ओके कोलगेट, ये हो गई गाबा सर के पिक। सचिन आपका क्विक सिंगल। अनुज जी, यहाँ पर ध्यान सारे गोल्ड रिलेटेड स्टॉक्स पे है, वहां पर मणप्पुरम का अभी तक परफॉर्मेंस काफी स्टेडी रहा है, अपने 5-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर इसने क्लोजिंग मेंटेन की है, एंड जिस तरीके से 210 का लेवल निकाला है तो यहाँ पर एक फ्रेश ब्रेकआउट रजिस्टर हुआ है बुलिश फ्लैग फॉर्मेशन का। पैटर्न के लिहाज से टारगेट लगभग अराउंड 225 के आसपास प्लेस्ड है, एंड जिस तरीके से अभी तक इसने अपनी क्लोजिंग मेंटेन की है 208 के ऊपर, तो मुझे लग रहा है 208 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस बिल्ड करने की सलाह होगी 225 के टारगेट के लिए। ओके मणप्पुरम 211-215 पे आपने पिक किया, क्लियरली स्क्रीन पे शॉर्ट कवरिंग विजिबल है, 45,000 शेयर कम हुए प्राइस अप, ये ट्रेड हो गया। मानस आपका ट्रेड। मानस मानस अपने आप को अनम्यूट कीजिए प्लीज। ओके सॉरी वीरेन जी, तो देखिए आयशर मोटर्स में खरीदारी करनी है, यहाँ पर एक हाई टॉप सायर मोटर्स का ट्रेंड चल रहा है, तो 4840 के स्टॉप लॉस से आयशर मोटर्स पे खरीदारी करेंगे 4975 के टारगेट के लिए। आयशर मोटर्स पे 4875 पे आपका बाय है। अच्छा राजेश सतपुत्र जी आपका ट्रेड। देखिए मैं डीएलएफ पे बाय दूंगा, मुझे लगता है आज एक यहाँ पे रेंज ब्रेकआउट हुआ है। अगर आप फ्यूचर की बात करें तो 848 का प्राइस चल रहा है, तो यहाँ पे लॉन्ग करें विद स्टॉप लॉस ऑफ 10 पॉइंट्स, 838 का स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा वोलेटिलिटी को मद्देनजर रखते हुए। तो यहाँ पे डीएलएफ का देखिए, मेरा जो टारगेट है इंट्राडे का वो रहेगा 870 से लेके 880 का, तो यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड बढ़िया बनता है, तो इट्स अ बाइंग डीएलएफ। ओके मीनवाइल निफ्टी को अब अगर कोई स्टॉक सपोर्ट कर रहा है वो है इन्फोसिस, एक बार लेकर आइए इन्फोसिस। आज सुबह बिग स्टॉक्स में मेंशन भी था ये कि कल थोड़ी सी इसमें गिरावट आई थी, लेकिन यहाँ पर टेक्सचर काफ़ी मजबूत है इन्फोसिस में, और अब 1% ऊपर ये स्टॉक, और यही अब इस समय मार्केट को सपोर्ट करता हुआ। निफ्टी की कॉन्ट्रीब्यूशन में देखिए इन्फोसिस अब सीधा 8 पॉइंट ग्रीन में आ गया। मारुति अभी भी सपोर्ट कर रहा है, लेकिन इन्फोसिस 2-3 बड़े ग्रीन कैंडल्स बने, और ये ग्रीन कैंडल्स एग्जैक्टली क्योंकि लास्ट के 1 घंटे में गिरावट आई थी एग्जैक्टली उस जोन से बने जहाँ से शायद बाउंस बैक ड्यू था यहाँ पर। इस पर भी बात होगी, लेकिन पहले ट्रेड्स पूरी कर लेते हैं। प्रशांत जी आपने क्या ट्रेड पिक किया। जी अनुज जी, मुझे जो अभी बेस ऑन ओपनिंग अच्छा लग रहा है, कल मैंने और वीरू जी ने डिस्कस किया था ऑलमोस्ट बेस के नजदीक, वो था पिडिलाइट, सो मुझे लग रहा है अब यहाँ से ये टेक ऑफ के लिए ऑलमोस्ट रेडी है। यहाँ पे स्टॉप लॉस रखेंगे 3095, 3095, और जो टारगेट होगा वो होगा 3200। ओके आशीष भाई थी, आप क्या पिक कर रहे हैं। जी अनुज जी, गुजरात गैस में मोमेंटम अच्छा बना है, और जिस हिसाब से सारे सिटी गैस में मोमेंटम बन रहा है एमजीएल आईजीएल और गुजरात गैस में, लग रहा है यहाँ पे एक तेजी की तरफ ट्रेड बनाया जा सकता है। खरीदारी की सलाह 645 का एक स्टॉप लॉस लगाकर इसमें पोजीशन बनाई जा सकती है, 670 का पहला टारगेट और 685 के सेकेंड टारगेट के लिए। स्टॉक ऑफ द मोमेंट इन्फोसिस क्लियरली अब फिर से डे हाई पर, और कल के हाई को क्रॉस कर रहा है ये स्टॉक का, ध्यान रखिएगा। 1 महीने का चार्ट लेकर आइए वापस जरा इन्फोसिस का। धर्मेश जी क्या कह रहा है ये स्टॉक, पिछले 1 महीने का चार्ट देखिए 11%, मतलब कुछ तो मार्केट सेंस कर रहा है, ऐसे तो नहीं भागेगा 11% अर्निंग से पहले। बिल्कुल अनुज, अगर आप देखिए तो पिछले क्वार्टर में भी अर्निंग से पहले एग्जैक्टली यही मूवमेंट हुए थे आईटी स्टॉक्स में, वो टीसीएस है इन्फोसिस है सब हाई पे आ गए थे, और बाद में अर्निंग से अपडेट जब आया गाइडेंस में इनकी जो रिविजन भी डाउनवर्ड, उसका वापस से करेक्ट किए। इस बार भी सेम स्टोरी प्ले आउट हो रहा है कि वापस अर्निंग से जस्ट पहले इस सब में काफ़ी अच्छा अट्रैक्शन हो रखा है। और देखिए डील विंस आपने सुबह के शो में पॉइंट आउट किया था, आशीष जी ने बोला था कि डील विंस तो काफ़ी अच्छे हैं, बट प्रॉब्लम हो रहा था एग्जीक्यूशन ऑफ डील विंस, और उसका जो टाइम मैनर जो स्टैगर टाइम है वो फ्रेम क्लियर नहीं था। और दूसरा जो प्रॉब्लम इन कंपनियों के साथ रही है, जो डिस्क्रिशनरी स्पेंड एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स के हैं वो घटता जा रहा है,
सो इस बार ये देखना होगा कमेंट्री में कि कैसा बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है, बट मुझे लग रहा है ये एक प्री पोजिशनिंग ट्रेड है अर्निंग से पहले की, और इसके बाद ट्रैक्शन मिलना थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा कि जो भी चेक किया हम लोगों ने इनडायरेक्ट डायरेक्ट मेथड में, वहाँ मुझे लगता नहीं कि कमेंट्री में कोई खास चेंजेज आने वाली है इस बार। सबसे अगर पॉजिटिव आउटलुक यही रहेगा कि उन्होंने वापस से गाइडेंस सिर्फ मेंटेन भी कर लिया लोअर एंड ऑफ द बैंड तो भी ठीक है, उस हिसाब से चाल हो गया है, 1.5% 2% और हो सकता है अपसाइड मिले, बट वहाँ पर ट्रेडिंग के लिहाज से प्रॉफिट टेक करनी चाहिए। बिल्कुल, देखिए